वो कोई इंसान नहीं था, वो तो कोई फरिश्ता था। वो जब याद आए, जो आसमान से आया था हमारे बीच थोड़े वक्त के लिए। भरी दुनिया में आखिर हमें हंसाकर और रुलाकर और तरह तरह के फीलिंग और एहसास देकर चला गया। टूटे हुए ख्वाबों ने अपनी दुनिया में वापस, और हम रह गए उसकी यादों में। कौन था वो जादूगर? मेरा मन तेरा प्यासा। जी हाँ, मैं उस आवाज के जादूगर की बात कर रहा हूँ जिसे कहते हैं मोहम्मद रफी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर घर में उसके नगमे आज भी गूंजते हैं। गाहों ने गाहों में जादू चलाना। किसी इंसान को जब भजन सुनना होता है तो वो सुनता है, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले मन तड़पत हरि दर्शन को आज। और इन भजन को सुनकर एक अलौकिक दुनिया में इंसान चला जाता है। किसी इंसान का जब दिल टूटता है तो वो सुनता है, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहां जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो अफसाने कहां जाए। भरी दुनिया में आखिर कोई इंसान जब बिल्कुल दुनिया से टूट जाता है तो वो सुनता है, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। आज पुरानी राहों से। और दोस्तों, जब किसी इंसान का बर्थडे आता है और उसे खुशी मनानी होती है तो वो गाता है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये। जिंदगी के हर रंग से वाकिफ कराया मोहम्मद रफी साहब ने। और दोस्तों, वो सुर वो सांस दिया दुनिया को कि जिस सांस और सुर को पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। ऐसे ही आवाज के जादूगर का इस साल 24 दिसंबर को बर्थडे है, 100 बर्थडे, और उस बर्थडे को हम मनाएंगे लाइव और मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि देंगे अपने अनगिनत चाहने वालों के साथ। तो आप भी इसमें शामिल होइएगा जरूर। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था रफी साहब की। रफी साहब जो बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनके तरकश में जो तीर थे वो उन्होंने हमें दे दिए। एक से एक बेहतरीन गाना, एक से एक बेहतरीन गजल, एक से एक बेहतरीन भजन, एक से एक बेहतरीन कव्वाली उस जादूगर ने हमारे लिए छोड़ दी। और दोस्तों, ये जो सलीम आज आपके सामने बोल रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, जिसकी आवाज़ को आज आप सुनते हैं, ये सिर्फ मोहम्मद रफी साहब की वजह से ही संभव हुआ है कि मैं इस स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मोहम्मद रफी साहब अल्लाह के एक नेक बंदे थे और मैं उनकी पैरवी करता हूँ, उनके पीछे चलता हूँ। मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी उनके जैसा अच्छा इंसान बन सकूं। अच्छा गायक कलाकार होना एक बड़ी बात नहीं है, बात बड़ी है अच्छा इंसान होना। मैं पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों कि मैं भी एक अच्छा इंसान बन सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं। लोगों की हेल्प करने के लिए इंसान को हमेशा अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ रखना पड़ता है, तब जाके वो लोगों की हेल्प कर पाता है। रफी साहब के कितने वाक़यात ऐसे हैं कि उन्होंने लोगों की ऐसी हेल्प की है कि वो मिसाल बनकर रह गया है। कितने गायक कलाकार ऐसे हैं जिनके लिए रफ़ी साहब ने अपने गाने उनको दे दिए जो उनके पास आए थे। कितने लोग ऐसे हैं जो रफ़ी साहब को मिला करते थे तो रफ़ी साहब अपनी जेब में से बिना गिने उनको पैसे दे दिया करते थे। ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब, जो मेरे दोस्तों 100 साल पहले जिन्होंने जन्म लिया था, दुनिया में आए थे। कोई नहीं जानता था कि ये एक छोटा सा बच्चा जिसे पीको कहा जाता है एक दिन इतना बड़ा गायक कलाकार बन जाए। लेकिन रफ़ी साहब का नसीब था ये, उनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर अपनी आवाज़ बनाकर भेजा था। और लोग कहते हैं गॉड की आवाज़, अल्लाह की आवाज़, ईश्वर की आवाज़। तो रफ़ी साहब की जो आवाज़ थी वो वाकई में एक ऐसी आवाज़ है कि मैं समझता हूँ कि मैंने इससे पहले ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी और इसके बाद भी ऐसी कोई आवाज़ आज तक मैंने नहीं सुनी। तो मेरे दोस्तों, हम
दिल के साथ दुनिया भर के चाहने वाले जितने भी रफ़ी साहब के हैं वो बर्थडे करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब का, और तरह तरह के कार्यक्रम होंगे। आप देख सकते हैं कितने गायक कलाकार गुजरे हैं, मैं सभी को बहुत अच्छा मानता हूँ, अच्छे उन लोगों के गाने वगैरह मुझे लगते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का एक मकाम बिल्कुल ही अलग है। आसमान में दोस्तों तारे बहुत होते हैं लेकिन चांद सिर्फ एक होता है, वो है चांद मोहम्मद रफ़ी साहब, गायकी का चांद। और ऐसे कलाकार को श्रद्धांजलि देना मैं समझता हूँ बड़े गर्व की बात है। तो इसके लिए एक इवेंट करना है, हमें होने वाला है, उसके लिए मेरे दोस्तों हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे पास इस वक्त फ़िलहाल इतना पैसा नहीं है कि हमें बड़ा प्रोग्राम कर सकें। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये हमारा गूगल पे अकाउंट का बार कोड है, इसे आप स्कैन करके 1 से 1 लाख रुपए तक डाल सकते हैं, और जो जितनी ज़्यादा मदद करेगा हम उसके उतना ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे। और उस इवेंट के लिए बिल्कुल तैयारी चल रही है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा हमारी मदद।